बुरहानपुर में सशक्त पत्रकार समिति की शिकायत के बाद आबकारी अधिकारी ने दबंगई दिखाते हुए विभिन्न अहाते बंद कराने की बड़ी कार्रवाई की है। सिंधी बस्ती सहित अन्य अहाते पर ताला जड़ दिया गया। ऑपरेशन अवैध अहाते का सफाया के तहत पड़ताल में कई खुलासे हुए। स्टिंग ऑपरेशन में शराब दुकानदार ने कहा दुकान के पीछे बैठकर पीने की पूरी व्यवस्था है, बाद में कैमरा देख मुकर गया। सरकार के आदेश की अवहेलना करने वाले अवैध अहाते के संचालन पर स्थानीय भाजपा सांसद विधायक का ध्यान नहीं था। पत्रकारों ने मामले को उठाया और अहाते अब बंद हो रहे हैं। अहाते में बैठकर शराब पी रहे लोग आबकारी अधिकारी के हत्थे चढ़े, 50 से अधिक को समझाइश देकर छोड़ा, कई मुंह छिपाकर भागते नजर आए। कुछ जगह जो लोग खड़े हो जाते थे दुकान के अंदर या बाहर, तो उनको जहाँ जगह थी स्पेस था उसको हमने बंद करा दिया है, और ताकि लोग खड़े ही नहीं रहें वहाँ पर, शराब लें और अपने सुरक्षित जगह जहाँ भी लीगल जगह है वहाँ जाकर बैठ के पिए। और इस तरह से बीच बीच में अभी हमने दो दिन कंटिन्यू हर दुकान का देखा कि कहाँ कैसी स्थिति है, उसके हिसाब से हमने ये कार्रवाई की है, और आगे भी जहाँ ऐसी स्थिति बनेगी हम लगातार कार्रवाई करते हैं। देखिए, मेरे द्वारा रानपुर में जो अवैध रूप से आते संचालित हो रहे हैं उसकी शिकायत आबकारी अधिकारी और कलेक्टर से की थी, और हमने आंदोलन की भी चेतावनी दी थी, क्योंकि यहाँ पर अवैध रूप से आते का संचालन हो रहा है, उसकी आड़ में सब लोग जो लड़कियों को छेड़खानी कर रहे हैं, शराब पीने वाले, उसको गंभीरतापूर्वक लेते हुए आज आबकारी अधिकारी बसंत बीते जी ने सिंधी बस्ती की जो शराब दुकान है इसकी आड़ में एक आता चल रहा था उसको बंद करवाए। और मुझे जानकारी ऐसी लगी है कि विभिन्न स्थानों पे जो हाथी चल रहे थे उनको भी उन्होंने बंद करवाए। हम लोग इसको लेकर एक आंदोलन भी करने वाले थे, लेकिन आबकारी की जो ये कार्रवाई हुई है तो वो कहीं ना कहीं अच्छी कार्रवाई हुई है, और आगे भी हम लोग हमारी जो है कि जानकारी लेते रहेंगे लोगों से कि अगर ये हाथे चलते हैं तो आगे भी हम लोग इसकी शिकायत करेंगे। मैं उमेश जंगाले, सशक्त पत्रकार समिति, प्रदेश अध्यक्ष, बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।